स्टेट पॉलिसी भी आ गया, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट कैसे होगा वो सब भी आ गया, फिर ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से कंसर्नेड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पूरे देश में फ्रीडम ऑफ ट्रेड का वो ले आ गया, फेडरलिज्म ले आ गया, कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन पे फंडामेंटल राइट सीज हो जाता है जब देश में इमरजेंसी लागू होता है, हम लोगों ने वहां से लिया, क्या बोला जाता है, जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से, और मतलब वो और मतलब ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ जापान के कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया। फिर संविधान के बारे में एक थोड़ा सा राष्ट्रीय एकता के बारे में थोड़ा सा बताना सर, राष्ट्रीय जो स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, गणतंत्र दिवस मनाते, राष्ट्रीय एकता के भावना के लिए मनाते हैं, कुछ हम कारण आपको बताते हैं कि राष्ट्रीय एकता के लिए सबसे बड़ा राष्ट्रीय एकता में हमारे दुश्मन है जाति व्यवस्था। जाति व्यवस्था अगर इंडिया में अगर जाति व्यवस्था नहीं होता तो बहुत स्कोप है जाति व्यवस्था दूर करने, जैसे कि पूरा इंडिया के इतिहास को उठा के देखिए लिखित इतिहास में सबसे पहले 326 BC में अलेक्जेंडर ग्रेट ने इंडिया पर राजा पोरस को हरा के 326 BC में झेलम नदी के तट पर बैटल ऑफ हाइड्रेशन में हरा के पहली बार उसने विजय प्राप्त किया था। अगर मेरा मानना है कि इंडिया में जाति व्यवस्था नहीं होता तो सिकंदर को इंडिया को जीतना बहुत भारी पड़ता। उसी तरह 712 BC में जो मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के राजा दाहिद को हरा के इस्लामिक राज की स्थापना की, अगर इंडिया में जाति व्यवस्था नहीं होता तो बहुत मुश्किल होता। तो जाति व्यवस्था इन मुगलों ने भी अटैक किया, जाति व्यवस्था के कारण ही इंडिया में कब्जे किए, अंग्रेजों ने भी आए कब्जे किए, इतना देर तक शासन किए, और इंडिया में शासन जाति व्यवस्था में तो इंडिया को बोला, बहुत से लोग बोलते हैं चाइना ने तो कोई जाति व्यवस्था नहीं, चाइना भी गुलाम हुआ, अमेरिका में भी जाति व्यवस्था नहीं, अमेरिका भी गुलाम, यूरोप के कई देश भी गुलाम है जहाँ जाति व्यवस्था नहीं है। लेकिन मेरा यही मानना है कि अगर जाति व्यवस्था नहीं होता तो इतना आसानी से इंडिया गुलाम नहीं होता, और जो चाइना में जब इंडिपेंडेंट हुआ, अमेरिका में जो इंडिपेंडेंट हुआ तो उन लोगों ने काफी तरक्की की, इंडिया के अनुपात में काफी तरक्की की, लेकिन इंडिया उतना अनुपात में तरक्की नहीं की, इसके कारण भी जाती। और दूसरा भारत कारण है राष्ट्रीय एकता में धार्मिक कट्टरता, हम लोग को धार्मिक कट्टरता भी कम बता हम बता धार्मिक कट्टरता के एक उदाहरण है, धार्मिक कट्टरता में देश के कितना प्रभाव पड़ा, लेकिन हमारे बहुत से लोगों मालूम नहीं जो जिन्ना जो देश का बंटवारा करने में जिनका हाथ था, उनके वो हिंदू परिवार थे, उनके दादाजी का नाम था प्रेम जी भाई मेघी ठाकरे, लोहाना भाटिया परिवार के, उनका जन्म हुआ था गुजरात में, उन लोग मछली का व्यापार करते, मछली के व्यापार के कारण गुजरात में मांस मछली खाने को खराब माना जाता है, मछली के व्यापार के कारण उनको अपनी जाति से भी निकाल दिया गया, धर्म से भी निकाल दिया। तो जो प्रेम जी भाई मेघजी छठक उन्होंने मछली का व्यापार भी छोड़ दिया, क्योंकि उन्होंने अपनी जाति में किया गया ना उनके धर्म में, तो उनके लड़के थे पूंज लाल ठक्कर, पूंज भाई ठक्कर, उन्होंने उनको अपने पिताजी प्रेम जी भाई ठक्कर को जो अपमान हुआ उसे काफी दुख दिया, उन्होंने पूरे परिवार को पूरे परिवार को उनके मुस्लिम बनवाया राजकोट में, उनमें सबसे बड़े लड़का थे मोहम्मद अली शेरा, उनका नाम मोहम्मद अली शेरा, देख लीजिए धार्मिक कट्टरता के कारण क्या हुआ, पूरे देश का बंटवारा किया, इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा नहीं होता, इंडिया पाकिस्तान ने अपने देश के अधिकांश हिस्सा हथियार खरीदने में जीता, तो इंडिया पाकिस्तान दोनों गरीब देश है, और दोनों देश अगर देश के विकास में खर्च करते हैं तो उससे लोगों का कल्याण होता है, दोनों देश को नीचे बिठाने और हथियार खरीदने में भी अधिक खर्च करते हैं। दूसरा ये अपने राष्ट्रीय एकता के लिए जरूरी है कि हम भाषावाद को, जैसे कि ये बिहारी है बंगाली है, इस सबकी भावना भी नहीं रखे हम लोग, जो जब पूरे देश को राष्ट्र बोलते हैं तो हर देश की नागरिक को हर जगह बसने का और रोजगार करने का अधिकार होना चाहिए, और उसी तरह सांप्रदायिकता की भावना नहीं खतरना है, जब हम पूरे पाकिस्तान से चाइना से भरना चाहते हैं तो देश के हर नागरिक हर जाति धर्म के लोगों को आपस में एकता होने चाहिए, इन्हीं शॉर्ट शब्दों में। Thank you.